Subscribe and press the bell icon for latest update. आज के इस दौर में हमारा अनियमित खान पान और बदलते लाइफस्टाइल के कारण ज्यादातर लोग मोटापे की समस्या से परेशान हैं, क्योंकि लोग ऑफिस में घंटों काम करते हैं और लगातार बैठे रहने की वजह से बॉडी में चर्बी जमा हो जाती है, जिसके कारण आपकी पर्सनैलिटी भी खराब दिखती है और इसी कारण आपको कई प्रकार की बीमारियां होने का खतरा भी बढ़ जाता है। ज्यादातर देखा जाता है कि लोग अपने मनपसंद शो को देखते हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि जब आप अपना मनपसंद शो देखते हैं तो उसका मजा कुछ अलग ही होता है और इसके कारण आपकी थकान भी दूर हो जाती है। लेकिन आपको बता दें कि घंटों तक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग करने से आपके शरीर को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। तो आइए जानते हैं कि देर तक टीवी देखने से शरीर को क्या क्या नुकसान होते हैं। नंबर एक, अगर आप लंबे समय तक टीवी देखते हैं तो हो सकता है आप डायबिटीज और हृदय रोग जैसी समस्याओं से ग्रस्त हो सकते हैं, इसीलिए कोशिश करें कि ज़्यादा देर तक बैठकर टीवी ना देखें। नंबर दो, जो लोग लगातार टीवी देखते रहते हैं वो लोग शारीरिक रूप से आलसी या सुस्त हो जाते हैं, जिससे उनका मोटापा बढ़ने का खतरा बना रहता है। इसके अलावा आंखों में दर्द या इससे जुड़ी बीमारियां होने का खतरा बना रहता है। नंबर तीन, सिर्फ टीवी देखना ही नहीं बल्कि लगातार कंप्यूटर बैठकर काम करना, गेम्स खेलना और इंटरनेट सफरिंग करना इत्यादि ऐसा कोई भी कार्य करना आपको आलसी या सुस्त बना सकता है, जिससे आपके स्वास्थ्य को हानि पहुंचती है। नंबर चार, आपको बता दें कि लगातार टीवी देखने के कारण आपकी मौत भी हो सकती है। दरअसल कई बार ऐसा होता है कि जब आप टीवी देख रहे होते हैं तो उस समय ऐसा सीन आ जाता है जिसे देखने के बाद आप घुटन महसूस करने लगते हैं, जो आपको मानसिक रूप से प्रभावित कर सकती है और इससे आपको हार्ट अटैक आने का खतरा बना रहता है, जो आपकी मौत का कारण बन सकता है। ये है क्यूरन न्यूज रूम रिपोर्ट। Subscribe and press the bell icon for latest update.